इस साल 24 में आपका 5 ग्रहण रहेगा। 5 ग्रहण रहेगा जी। एक वो आएगा अभी रिसेंटली आएगा, वो कि आपका ये चंद्र ग्रहण होगा, उसके 15 दिन बाद सूर्य पराग होगा। ठीक है। फिर अक्टूबर में सितंबर में आएगा चंद्रग्रहण, सूर्य पराग, उसके बाद फिर 15 दिन बाद चंद्रग्रहण। जी। टोटल 5 पराग एक पक्ष में आता है। बहुत खराब है वो। और ये जो सूर्य पराग जो होगा पुण्य सूर्य पराग होगा, पूर्ण सूर्य पराग होगा। ठीक है। एंड इट विल इफेक्ट मैक्सिमम अमेरिका, आपका कनाडा, मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, वो जो पूरा बेल्ट है वहाँ दृश्यमान होगा ये। ओके। फिर भी उसका इफेक्ट टोटल वर्ल्ड का पर रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा। भारत के ऊपर कैसा रहेगा? भारत के ऊपर थोड़ा रहेगा जरूर, थोड़ा बहुत रहेगा जरूर। ये पालन हम पालन नहीं करेंगे उसको, लेकिन इफेक्ट विल कम थोड़ा बहुत। ओके। इफेक्ट पृथ्वी का पर होता है ना, और चंद्रग्रहण 3 बार होता है इस साल। चंद्रग्रहण होगा मतलब आपका युद्ध का प्रकट, युद्ध का जब बढ़ेगा, युद्ध का ये सिलसिला बढ़ेगा, आपका भूमिकंप का सिलसिला बढ़ेगा, सुनामी का सिलसिला बढ़ेगा, चलता रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं और उसके साथ साथ वार युद्ध जो है उसका संखनाद हो जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, फिर भी जितना समझता हूँ उतना ही बोल देता हूँ। ठीक है। नहीं, आपको मुझे पता है थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आपको पता है। नहीं नहीं भाई, इतना नहीं। अच्छा, फ्रांस, जर्मन, हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों में मुस्लिम संगठन जोरदार पकड़ेगा। और दे विल सपोर्ट, फॉर इन सपोर्ट ऑफ आपका जो अभी चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है उसके सपोर्ट में वो लोग करेंगे इस्राइल के अगेंस्ट में। ऐसे सब एकजुट हो, इस्राइल ख़त्म करो करके वो वहाँ दंगा रखवा करेंगे वो लोग। उसमें से जो ओरिजिनल अध्यय क्रिश्चियन से दे विल गो अगेंस्ट देम, उसके अगेंस्ट वो लोग खड़ा होंगे। अच्छा। तो उधर कॉन्फ्लिक्ट होगा, उन देशों में दंगा हंगामा होगा जरूर। पाकिस्तान में गृहयुद्ध भयंकर रूप लेगा। पाकिस्तान में? अच्छा। उसका विलय का समय चालू हो जाएगा 24 से। पाकिस्तान खत्म होने का समय 24 से ही चालू हो जाएगा। चाइना और ताइवान, रशिया और जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये तीनों देश में, तीनों जगह में युद्ध होने का बहुत संभावना है। हो तो गया नहीं, चाइना ताइवान हुआ नहीं ना, ताइवान में नहीं हुआ, रशिया जापान हुआ नहीं ना, ये तो सिर्फ एक बार डाल दिया कुछ। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में हो तो गया, कभी युद्ध चालू नहीं हुआ। नॉर्थ को, साउथ कोरिया कुछ नहीं किया अभी तक, तो चालू हो जाएगा। अच्छा। स्पेशली चाइना एंड ताइवान का अटैक नहीं करने से भी जैसा ऐसा ऐसा हालत तो क्रिएट करेगा वो, तो 25 में जरूर हो जाएगा। 24 में विश्व युद्ध कैसा होगा, कौन कहाँ रहेंगे, किस साइड में रहेंगे, उसका रूपरेख मिल जाएगा। अच्छा, मालूम पड़ जाएगा, मतलब जो दो दल होगा से कौन किस कौन हाँ बस वो मालूम, उसका जो है रूपरेख जो है समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि ये जो किताब है कल्कीलीला किताब, ये बहुत ही जल्द आने वाला है हिंदी में। मैं एक बार नज़र डालूँगा कि जो ओडिया में जो संस्करण है 194 पेज में मैं नज़र डालता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा है कि इस युद्ध में विश्व की बहुत सारे शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, अंशग्रहण करेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि ये सब अपना अपना मित्रता भूलकर दो भागों में विभाजित हो जाएंगे और अपना शत्रु रूप दिखाएंगे। और इसमें यह भी लिखा है कौन कौन है वो देश, भारत, रशिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी और इटली, इन सब देश को लेकर, राष्ट्रों को लेकर प्रथम दल जो है गठित होगा। इसके साथ साथ इसके दूसरे भाग में जो सेकंड जो ये रहेगा दल रहेगा, इसमें रहेगा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चेचन्या, बासनिया, सऊदी अरब, कुवैत, फिलिस्टीन, यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और इजिप्ट, ये जो है दूसरे दल में रहेंगे। और इसमें यह भी लिखा है
ये युद्ध के होने पर विश्व से संपूर्ण आतंकवाद का खत्म हो जाएगा। और इसमें यह भी लिखा है, भारत को मुस्लिम और उग्रपंथियों ने पाश्विक मानसिकता के साथ आक्रमण करेंगे और भारत इस युद्ध में बहुत दिनों तक एंगेज रहेगा। साथ में ये भी लिखा है कि महापुरुष भीम भोई और पंच सखाओं के, अगर हम उनके फ्यूचर प्रेडिक्शन को मान लेते हैं, उनके जो प्रेडिक्शंस है उसके मुताबिक मुसलमान राष्ट्र चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। तो सीधा सीधा ये प्रमाण दे रहा है, कल की लीला किताब बहुत ही जल्द हिंदी में प्रकाशित होने वाला है। जब प्रिंटिंग स्टेज आ जाएगा तब हम एक वीडियो के माध्यम से अनाउंस कर देंगे। जी बताइए, ये किताब 2003 में लिखा, 2003 में प्रिंटिंग हुआ था, 2002 में लिखा खत्म हुआ था उसका। तो वो जो बहुत सारे रुकावटें जो लिस्ट जब पढ़े आपने अभी कंट्रीज का लिस्ट, उसमें थोड़ा बहुत अदल बदल होगा। अच्छा, ये एक्चुअली मेरा लिखा नहीं है, वो जो एक धरित्री बोल के पेपर में प्रिंट हुआ था बेंगल, एक एस्ट्रोलॉजर का उसका 200 साल पहले एस्ट्रोलॉजर का, उसका जो किताब का एक ये है पोर्शन है। अच्छा अच्छा, उनका मैं उसको ले लिया था उसमें। जी जी, लेकिन उसमें लिखा है कि कौन क्या रहेगा बाद में क्या कुछ होगा, उसमें सब कुछ लिखा है। जी जी, क्रिश्चियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज दोनों के बीच में युद्ध जैसे परिस्थिति स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज के बीच में। क्यों क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे मुस्लिम से देव राइज, ओके, रिवोल्ट करेंगे, उधर मार खान ये आपका जला पड़ा सब करेंगे, अगजानी करेंगे, मारपीट जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मालिका में ये भी लिखा है कि धर्म धर्म के आधार पर हो जाएगा फाइट, शुरू हो जाएगा फाइट, उसके लिए जो जाति जाति के आधार पर हो जाएगा फाइट, देश देश के में लग जाएगा फाइट, ये सब मालिका में लिखा है। ये जो अभी तो क्या इसी का आरंभ हो जाएगा, ये जो हो रहा है अभी जो चालू हो जाएगा अभी, इसके कारण क्या है? धर्म धर्म के बीच युद्ध, यहूदी को खत्म करो। अच्छा अच्छा, दे हैव वन एम टू फिनिश अप इसराइल कम्प्लीटली एंड टू कन्वर्ट इंडिया इंटू ए मुस्लिम कंट्री। अच्छा, ये बाहर का जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इंडिया अगेंस्ट में है, पाकिस्तान हो या टर्की हो जो भी हो, उन लोग का एम वही है, इसराइल का कम्प्लीट खत्म कर दो, इसराइल के कुछ न रहे और इंडिया को मुस्लिम कंट्रीज में कन्वर्ट कर दो। तो बहुत सारे जो देश है इस युद्ध में जो उलझ जाएंगे, तो इसका मतलब यही है कि वो जो है गृह युद्ध को और अपने देश को लेके जाएंगे, है ना? आंतरिक युद्ध जो है एक बहुत बड़ा रूप लगा। जी जी बताइए। इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक होगा, भारत के ऊपर ओके ओके, बहुत सारी सब इंटरनल टेररिस्ट, बाहर का थोड़ा बहुत रहेंगे, इंटरनल टेररिस्ट ग्रुप बाहर में आएंगे, उग्रपंथी, उग्रपंथी वो अटैक करेंगे, माओवादी जो हैं वो सब, माओवादी नहीं हर मुस्लिम टेररिस्ट, ओके ओके, वो लोग क्रिएट करेंगे, सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, कुछ बाहर से लोग हेल्प मिलेगा उन लोग को, बाहर से कुछ आएंगे, इन लोग मिलेंगे, उन लोग को सिखाएंगे कैसे क्या करने का, ये लोग करेंगे। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पुलवामा हादसा जो है काफ़ी बड़ा हुआ हादसा हुआ था, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो आपका ये मानना है कि मतलब आगे चल के ऐसे होगा, ऐसा बड़ा बड़ा हादसा ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा? अच्छा, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा 24 में, ये उसके लिए ये चीज़ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आपका जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम कंट्रीज अटैक कर रहा है, जितना बार अटैक इंडिया के ऊपर हुआ है सब सडनली हुआ है। अच्छा, मुझे जितना याद है 1965 वार हो पाकिस्तान के साथ हो, या 71 वार हो, पाकिस्तान पहले अटैक किया था 71 वार में, जो सारगोधा विमान घाटी के ऊपर में बम डाला था बांग्लादेश से आके, तो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान था वो, वहाँ से लाके बम्बारमेंट किया था, वेस्ट पाकिस्तान से पंजाब सियालकोट के ऊपर बम्बारमेंट किया था, अराउंड 15-17 प्लेसेस पर बम्बारमेंट हुआ था उस दिन। 71 की बात कर रहे हैं? 71 की बात कर रहा हूँ। इसी टाइप का इस साल भी होगा। अच्छा, हो सकता है
पॉसिबिलिटी इज देयर। लेकिन उस समय का रूपरेख भारत का कुछ और था, अभी तो भारत और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, ये भारत तो होने नहीं देगा। उसके दो कारण है, दो कारण है। चाइना चाहेगा कि इधर कुछ गड़बड़ चालू होने से ताइवान फाका को कोई देखेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात यह हुई। सेकेंड थिंग, वो लोग भाई क्लोज देख रहा है इंडिया कैसे बढ़ रहा है, ऊपर आगे बढ़ रहा है, उसका टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रहा है, उसका उसका जो युद्धास्त्र है, विमान है, सब कितना कैसे ऐसा हो रहा है, उन्नत हो रहा है। भारत जो है विश्व गुरु के और जो अग्रसर हो रहा है, और इंडिया इज गोइंग टू परचेज क्रोर्स 100,000 ऑफ क्रोर्स ऑफ ये वेपन्स, तो आ जाएगा तो इंडिया को, भारत जो है पावरफुल हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, तो भारत के ऊपर पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बी अटैक। ओके ओके, पहले क्या लिखा हुआ है, होगा नहीं होगा प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। हम बोला बोल देता है कि टाइम जो लिखा हुआ है बोल देता है, आप बोले लिखा था कुछ हुआ नहीं, भाई हमारा हाथ में नहीं है, प्रभु का हाथ में है, मत पूछिए ऐसा सवाल। तो जब भी हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, में बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इज देयर। और इस साल से गोमाता, शिशु और वृद्ध, ये तीनों के ऊपर बहुत विपद है। किस टाइप का रोग, मैंने डिजीजेस का, डिजीजेस महामारी। अच्छा, अभी एक कोरोना आया है और 3-4 डिजीज आएगा इस साल, जब इसमें आएगा ना, एक नया डिजीज जिसका जिले मेडिसिन नहीं होगा। अच्छा, सडनली तो दैट विल अफेक्ट दिस, ये 2024 में होगा। 24 में तो श्री पुलिन बिहारी पंडा यहाँ पे अपना बात रख रहे हैं कि 2024 में बच्चे, बुजुर्ग और गाय, ऐसा कोई बीमारी आएगा जो सबसे ज़्यादा नुकसान इनका ही होगा। बच्चे, बुजुर्ग और गाय, ये 2024 की हम बात कर रहे हैं। जी बताइए। बहुत सा देश में पृथ्वी का गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन होगा। अच्छा, एंटी गवर्नमेंट कैंपेन, एंटी गवर्नमेंट कैंपेन। ओके, अफ्रीका में दुर्भिक्ष होगा। क्यों क्यों, ये जो एंटी महामारी होगा, नहीं जो एंटी गवर्नमेंट जो कैंपेन आप बोल रहे हैं, हाँ। क्यों होगा, मतलब किस आधार पर? वैसे इसलिए कि मतलब उसमें क्या है कि बहुत सारे देश में आपका मिलिट्री शासन हो जाएगा, मिलिट्री शासन हो जाएगा, जो रिलेटेड गवर्नमेंट को निकाल के जबरदस्ती अपना जमा लेंगे मिलिट्री लोग, उसके विरुद्ध में जाएंगे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलिट्री से और पब्लिक, उन लोगों के बीच में होगा जमीला। सेकेंड थिंग, आपका ये जो है मैंने रेशियल राइट्स ऑल्सो विल बी देयर। ओके ओके ओके, दे विल नॉट, मैंने कुछ ऐसा ही होगा कि पहले बहुत से जो नॉन मुस्लिम्स है उधर, दे विल सफर टू सम एक्सटेंट। ओके ओके, सेकेंड थिंग आपका अफ्रीका की बात कर रहे थे आप, हैं अफ्रीका की बात कर, अफ्रीका, हाँ अफ्रीका में वही जनरल लोन होगा। अच्छा, गवर्नमेंट के जगह किस्त में मुद्रास्फीति बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। ओके ओके ओके, दरदाम बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो बेरोजगारी होगा जब इसमें सारा पृथ्वी में, और बहुत लोग अपना नौकरी जो है करते हैं। अच्छा, नौकरी से खो देंगे। अच्छा, अमेरिका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब होगा ये बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वो इसी के आधार पे होगा या फिर और कुछ रहेगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ए आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, और बहुत सारे जो रिसर्चर हैं, एजेंसीज हैं, उनका रिपोर्ट भी ये कह रहा है कि ए आई के चलते बहुत सारे नौकरी जो है वो छूट जाएगा। इसमें एक फैक्टर हो सकता है। अच्छा, इंजन हो सकता है, लेकिन अब तक बालिका में क्या लिखा हुआ है, बालिका में क्या लिखा, पहले कृषि और कृषिजीवी ये हत होंगे। अच्छा अच्छा, खत्म होंगे उनके ऊपर जो है, पहले आएगा, उसके बाद धनी की श्रेणी। अच्छा, पहले कृषि और कृषिजीवी और उसके बाद जो रिचेस्ट पर्सन, धनिक श्रेणी, हाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ हाँ हाँ, उन लोग का खत्म हो जाएगा, अपना कारोबार खत्म हो जाएगा, उनका कारोबार जो है धंधा खत्म हो जाएगा। थर्ड है नौकरी करने वाले। ओके, उसके बाद है उन लोग के ऊपर आएगा, आपद आएगा, मैंने बढ़ने के बात नहीं बोल रहा हूँ, आपद आएगा, आपद आएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे जाते, इंडस्ट्री खत्म नहीं होने से उधर कैसे जाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री बहुत खत्म हो जाएगा, डिमांड कम होगा, कोरोना काल में लोग पास पैसा नहीं होगा, दाम इतना बढ़ जाएगा लोग खरीद नहीं पाएंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ था। हाँ,
लोगों का जो है रोजगार तो ये जो आप बात कर रही है मतलब भारत में भी ऐसा मतलब कुछ सीन देखने को मिलेगा भारत देखिए भारत में भारत का पोजीशन थोड़ा अच्छा रहेगा और दूसरा देश से अच्छा लेकिन होगा कुछ हाँ दरदाम बढ़ेगा सब होगा लेकिन जो आपका जो दुर्भिक्ष पड़ेगा अभी चौबीस में सार चालू हो जाएगा भारत पे कम होगा ओके थोड़ा बहुत कम होगा विल सर्वाइव मालिका में लिखा है कि सस्य हानि होगा सस्य हानि होगा इस साल का जो सबसे जो जाएंगे जो कल्टिवेशन करेंगे इस साल का वो नहीं आएगा रिटर्न नहीं आ पाएगा 23 पे अच्छा हुआ सबसे हुआ है अच्छा उसमें चल जाएगा 24।